व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने होते हैं, और यही उतार चढ़ाव, ये सभी उतार चढ़ाव ग्रहों की बदलती स्थिति की वजह से व्यक्ति के जीवन में आती है। यूं तो ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, पर व्यक्ति की जन्म राशि का स्वामी चंद्र ही माना जाता है। ग्रहों में सबसे अधिक गति से चलने वाला चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, और इसीलिए तो हमारा मन काफी ज्यादा चंचल होता है। चंद्र को काल पुरुष का मन कहा गया है। चंद्र माता मन, मस्तिष्क, बुद्धिता, स्वभाव, प्रजनन संबंधित रोगों, गर्भाशय इत्यादि का कारक माना गया है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अपनी ही राशि में या मित्र राशि, उच्च राशि में हो तो इससे चंद्र की शुभता प्राप्त होती है और मनुष्य को अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ भी देखने को मिलता है। चंद्र की वजह से अब बड़े ही शानदार योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें अब इन दो राशियों की किस्मत पूरी तरीके से चमक जाएगी। इन दो राशि वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन दो राशि वाले लोगों को अब बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। जो नीतियाँ ये भविष्य के लिए बना रहे हैं, वो नीतियाँ भविष्य में सफल होने वाली हैं। चलिए आपको दो राशियों के बारे में बताते हैं। तो राशियाँ हैं मेष और धनु। इसी तरह रोजाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।